واقول في القران ما جاءت به اياته فهو الكريم المنزال واقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا اتاول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. وقال المؤلف رحمه الله: واتيانها في الدبر بيع لحرة ومن يستحل البيت कबलता मस्जिदिन महतरम हजरा दीनी भाइयों दोस्तों और हमारे इस प्रोग्राम जो कबीरा गुनाह पर चल रहा है इसके देखने वाले वाले तमाम साथियों इससे पहले कबायर के केसठ ग यानि सिक्सटी वन तक गुनाहों का तस्करा हो चुका है आज अभी जो मैंने ये शेर पढ़ा है कि वह इतियान व बल वमई यस्तुलब तबलता मस्जिदी इस बैत के अंदर मुसल्लिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने तीन कबीरा गुनाहों का तस्करा किया यानी सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फ़ोर ये तीन गुनाहों का तस्करा किया जिनमें सिक्सटी टू जो है वह है फित बुरी इंसान अपनी बीवी की हम बिस्तरी करे उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करे जिनसे ताल्लुक कायम करे पीछे के रास्ते में बहुत बदतरीन एक गुनाह है और आज दुनिया का एक बड़ा तबका इसमें मुब्तला है अल्लाह आलमिन ने किताबुल्लाह में और सुन्नत में सुन्नत रसूल नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी हरमत का बयान किया है और बातफा के अहल इल्मरकबा मिस बहुत बदतरीन गुनाह है हमें इससे बचना चाहिए नबी सलाम रिसरमाया मशहूर सहाबी अबूरे रजी अल्लाह तारा हदीस के रावि हैं कि नबी सात नमाया मल मन अता आता दो बोरे हाँ अल्लाह अकबर मलून है यानी अल्लाह की लानत है रसूलों की लानत है सारे फरिश्तों की लानत है उस इंसान पर जो अपनी बीवी से पीछे के रास्ते में अपनी जरूरत पूरी करता है कितना बड़ा मनहूस इंसान हुआ अल्लाह की भी लानत सारे फरिश्तों की लानत सारे नबियों की लानत और सारे इंसान जो सुनते हैं सब उस पर लानत भेजते हैं वो इंसान इज्जत की जिंदगी आराम की जिंदगी कहाँ गुजार सकता है जिस पर अर्श वाले से लेकर के फर्श तक की सारी मखलूक लानत भेज रही मन अतरफी रहा लानत सबसे बदतरीन बदतवा है नबी रमीन है फरमाते खबरदार किसी पर अल्लाह की लानत ना भेजो लेकिन इंसान अगर बीवी से अपनी जरूरत पीछे के रास्ते में करता है तो उस पर अल्लाह भी लानत भेजता है और रसूल भी लानत भेजते और सारे फरिश्ते भी लानत भेजते हैं इसीलिए एक दूसरी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ताला की है कि अल्लाह रसूल जोलन औ इमारतन फे दो बो रिहा इन लांद ऐसे इंसान को देखेगा भी नहीं क्या मतलब है दुनिया में किस लानत के अंदर किस अदाब किस परेशानी में मुबतला है कितनी मुश्किल और परेशानियों में है आदाब कबर में कैसे मुबतला है और जहन्नम के किस गड्ढे में जल रहा है अल्लाह ताला ऐसे इंसान की कोई परवाह नहीं करता उस पर कोई रहम और करम नहीं करता जो किसी मर्द या किसी औरत अपनी बीवी के पीछे के रास्ते में अपनी ख्वाहिश पूरी करता है मर्दों के साथ औरतों के साथ या अपनी बीवी के साथ जिसके साथ भी उसने ऐसी हरकत किया अल्लाह ताला उस पर लानत भेज दी और अल्लाह बिल्कुल उसको लावारिस छोड़ दिया उसकी जान की माल की औलाद की कारोबार की कोई परवाह अल्लाह करता ही नहीं क्यों उसने अल्लाह का बहुत ज्यादा नाराज किया और यह हदीस जो हमने आपके सामने बयान की तकरीबन अहल इम कहते बारह सहाबे क़राम से हदीस मर है यानी इसको हदीस मुतवातिर कहा जाए मतद्द अंदाज से इसीलिए बहुत सारे अहिल इल्म ने अगर आप गौर करें कि किसी मर्द के साथ जो आज दुनिया के लानती फैशन निकल गया है मर्दों के साथ शादी करना मर्दों के साथ अपनी ख्वाहिश फूटना जिसको कौमलूत जिसको कहा जाता है वो अमल करना ऐसे इंसान की बत्तफाकमा सदा कत्ल कर देना है और कत्ल कैसे किया जाए उसके मुख्तफ अकवान हैं। एक तो यह दीवार के नीचे खड़ा करें और दीवार को उस पर गिरा दे ताकि कम वक्त मर जाए उसको दफनाने की नौबत ना आए बहुत सख्त सदा मुकर्र की गई इसलिए इससे बचना और अपनी हिफाजत करना बहुत ही जरूरी है इसीलिए अलैहिस्सलाम ने लोगो एक लूती अमल तो वो था जो कौम में लूट के लोग करते थे अपनी ख्वाहिश औरतों के बजाय लड़कों से पूरी करते थे इससे पहले दुनिया में यह अमल नहीं होता था कौम लूत ने यह हरकत शुरू की लड़कों के साथ लिवातत करना हरामकारी करना बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने अपने नबी लूत को उनकी हिदायत के लिए भेजा लूत अलैहिस्सलाम एक अरसे तक मना करते रहे हाउला बनाते हुकुम फरमाते कौम के लोगों ये लड़कियां हैं इनसे शादी करके अपनी अपना शौक पूरा करो ख्वाहिश पूरी करो लड़कों के पीछे ना पड़ो लेकिन कौम बाध ना आई तो अल्लाह ताला ने उस कौम पर सबसे पहले पत्थर की बारिश बरसाई फारिफ हेजार अल्लाह ने ऊपर से पत्थर की बारिश बरसाई खूब अच्छी तरह से पिटाई हुई और फिर उसके बाद अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया इस बस्ती को उठाओ उठाया और ऊपर तक लेके गए अल्लाह ने हुक्म दिया अब इसको जोर से पटक दो तो। फरिश्ते ने पूरे शहर पूरी आबादी को आसमान की तरफ उठा के ले गए बहुत बुलंदी तक फिर उसको उठा के पटका फजा आलिया साफिलहा क्या के लिए कौम उस शहरी ने तो नाबूद हो गया अल्लाह ने जमीन में ऐसे उठा के पलटा कि पानी ऊपर आ गया और उस सीटी जो है वो नीचे चली गई दोस्तों नबी अलही सराफ सामने साथ रमायाल्लूतियति सुगरा एक कौम लूत का वो अमल था अगर कोई इंसान अपनी बीवी के साथ पीछे के रास्ते में हम बस्ती हम बस्ती करता है तो ये भी उसके दूसरे दर्जे की ये भी कौमलु अमल है इससे हम तमाम हजरात को बचने की कोशिश करना चाहिए लोगों अल्लाह आलमीन की भी नाफरमानी होती है रसूल की भी नाफरमानी होती है अल्लाह आलमीन आपकी बीवी आपके लिए हरार है लेकिन पीछे से अगर आपने अपनी ज़रूरत पूरी की तो वो चीज़ आपके ऊपर हराम नहीं है हलाल नहीं है आप गुनाह कबीरा का मुरतकब होते हैं अगर तौबा ना करें तो फौरन आप है तो सदा दी जाएगी और आपकी बीवी आपसे जुदा कर दी जाएगी ये वाजिबात में है और तमाम का तमाम अइमा का मुज्तहिदीन का ये येफिका फैसला है अल्लाह रबूल आलमीन ने शास्त्र नमाया फैज फैजा तो फिन औरतें अगर नापाकी से पाक हों तो वहाँ आओ औरतों से ज़रूरत पूरी करनी के लिए जहाँ से अल्लाह ने हुम दिया है अल्लाह फितरी तौर पर फरमाया नशा उकुम हरसलकुम तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं और उनके करीब आओ तो अच्छी उम्मीद लेकर के अल्लाह तुझे तो यह हम हमबरी से औलाद अता करे लाजमी चीज़ है पीछे के रास्ते में बीज डालने से कभी इंसान को औलाद नहीं मिल सकती ये फितरत के खिलाफ है इस्लाम के खिलाफ है अल्लाह रबी के फैसले के खिलाफ है हमें इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए और इस बदतरीन गुनाह से हमें अपने आप को रोकना है और गैरों को भी रोकने की फिक्र करनी चाहिए यह गुना नंबर सिक्सटी टू था तीसरा गुना इस नजम में जो बयान किया यानी थ्री वो है बै उल हुर आजाद को बेचना यानी आजाद इंसान आप अपनी बे, बेटी बेचें अपना बेटे बेचें अपने बाप को बेचें अपनी बहन बेचें और उसकी कीमत खाएं ये आजाद को बेचना उसकी कीमत खाना हराम है अकबरुल कबायर में से है

आजाद को बेचा चाहे अपना हो या किसी के बच्चे को चुरा करके बेचें, किसी इंसान को चुरा करके ले जाकर के बेचे जैसे दुनिया में होता है और आप उसकी कीमत खाएं अपनी औलाद को या किसी और की औलाद को किसी भी आदात किसी भी कौम हो, बेच करके कीमत खाना बेचना हलाल नहीं वरना अंजाम क्या है आना खासम अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन उन तीनों बंदों की तरफ से मैं ज़ालिम से लड़ूंगा अल्लाह जिससे लड़े कौन उसको बचा सकता है नंबर एक रजुल एक तो है कि किसी ने मेरे नाम पर वादा किया और वादा करने के बाद आपने उसको अमनो अमान अता किया जाओ आपने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली अमन अमान अता किया लेकिन फिर भी धोखा देकर के उसको नुकसान पहुंचाए नंबर दो वराजन बाड़ा हुर्रन अकल समन हो दूसरा वो इंसान जिसने किसी आजाद को बेच करके किसी आजाद को बेचा और बेच करके उसकी कीमत इस्तेमाल कर रहा है आजाद को बेचना और उसकी कीमत उससे उसकी कीमत लेना ये सब कबायर गुनाहों में से ऐसा मुजरिम है ये बेचने वाला कि क्या मत के दिन उस मज़लूम जिसको बेचा है उसकी तरफ से अल्लाह खुद लड़ेगा उससे नंबर तीन अजीरन मिन वरा जुल ही फस्ता हो एक मजदूर है किसी ने मजदूर से पूरा काम लिया और अच्छी तरह से काम लिया और काम कर, तो पूरा करा लिया लेकिन उसकी मजदूरी नहीं दे रहा है टाल मटोल करता है भागता है छुपता है हक अदा नहीं कर रहा है तो मजदूर की जिसने मज मजदूरी कराने के बाद मजदूरी ना दिया अल्लाह पर हैं, उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा बाद अहले इल्म कहते हैं कि जाहिलियत में इस्लाम से पहले अगर किसी ने किसी से कर्जा लिया और कहा भाई मुझे एक हजार दे दें मैं साल भर के बाद आपको लौटा दूंगा इंसान ने सामने वाले परेशान शख्स की बात मानी और एक हजार दे दिया उसको साल भर की मोहलत पर साल पूरा हुए लेकिन वो गरीब बेचारा अभी अदा करने की ताकत नहीं रखता तो जाहिलियत में लोग इकट्ठा होते और वो बेचारा जो कर्जा नहीं अदा कर पा रहा उसको बेच देते बेच देने के बाद उससे जो कीमत आती कर्जा देने वाले के कर्ज अदा कर देते तो किसी के हाथ का गुलाम बन गया ये तरीका था इस्लाम में इस्लाम आने के पहले पहले दुनिया का ये तरीका था अरब का ये तरीका था अगर कर्ज लेने वा, लेने वाला वक्त पर अदा ना करे तो लोग होते उसको बेच देते और उसकी कीमत से कर्ज अदा कर देते थे इस्लाम आया रहमत का दिन नबी हमारे रहमत वाले उमा और सल्लाह का रहमत लिल आलमीन नबी अलैहिस्सलाम आए और इसे इस जाहिलियत की बदतरीन रस्म का खात्मा किया जहाँ बहुत सारी बुराइयाँ मुनकरात मुहर्रमात सब को मिटाया उन्हीं में से एक बुरी रस्म यह थी जिसको ख़त्म किया इस्लाम ने रमत आलमीन ने और ये आयत नादिल हुई स्रोतलबा करा की वहीं का नजो उसरा फनाद रतलाम सना अगर किसी ने कर्जा लिया और वक्त पर अदा नहीं कर पा रहा है तो उसको आइंदा के लिए मोहलत दे दो और प्यारे नबी ने तो इंतहा कर दिया बहुत ही बड़ा इस्लाम का एक वसूल बता दिया फरमाया कि अगर आपने किसी को कर्जा दिया वक्त मुकरर कर लिया कि हाँ फला महीने में साल भर के बाद या छ महीने के बाद या आठ दस महीने के बाद दो साल के बाद कुछ भी मियाद मुक्र कर दी कि इतना हमको दे दें और इतने दिन में हम आपकी रकम अदा कर देंगे मुसलमान हाजतमंद जरूरतमंद परेशान हाल विचारा परेशानी में आकर के कहा कि भाई आप हमको इतना दे दें साल भर के बाद हम वापस लौटा देंगे आपने साल भर सब्र किया भाई के साथ एहसान किया अगर आपने एक लाख उसको दिया है तो आपको एक लाख सदका करने का सवाब मिल रहा है क्यों आपने मोहलत दिया साल भर की मोहलत मांगा आपने उसको आसानी दी कर्जा देने का फायदा हुआ और उसके साथ साथ आपको रोजाना जितना आपने सदका किया है एक लाख कर्जा दिया है उसके सदका करने का सवाब मिलेगा आगे नबी अलैहिस्सलाम सलासान शास्त्र माते हैं मियाद मुकर्रर हो गई जो वक्त था वो पूरा हो गया साल भर का टाइम दिया था लेकिन वो गरीब बेचारा कर्ज लेने वाला अभी उसके हालात अच्छे ना हुए बदतर हालात है अदा नहीं कर पा रहा है अब उसके साथ जो चाहे करें बेच तो नहीं सकते जाहिलियत की तरह खत्म हो उसको आप जेल में डलवाएं आप कहा कहे लेकिन अगर आप उसको मोहलत दे दें जो अल्लाह ने हुक्म दिया वह इनका नजू उस फाने फानतःरा अगर वो तंगदस्त ही तो उसको आइंदा खुशहाली जितने आइंदा के लिए उसको टाइम दे दें जब तक कि वो आ, आ, उसके हालात अच्छे नहीं हो रहे हैं या लाने हुक्म दिया ये बहुत भी खैर बरकत की चीज़ है आने फरमाए अगर जब तक मोहलत का इंतजार कर रहे थे साल भर तब तक आपको उतना सदका करने के सवा मिलता था जितना उसको दे इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन वक्त पूरा हो जाने के बाद अगर वा करने के लायक नहीं है आप और छह महीने या साल भर की मोहलत और देते दे, आपको दबल का सदका करने का सवाब अब दो लाख करने का सवाब आपको मिलेगा यह है मेरे भाइयों इस्लामी वसूल और इस्लामी जवाब अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह ताला हम सब को इस तरह से हाजत मंदो के साथ एहसान करने की तौफीक नसीब फरमाए तो ये गुना है सिक्सटी थ्री नंबर का आजाद को बेच करके उसकी कीमत खाना आजाद का बेचना और उसको गुलामी की जिंदगी अता कर देना कतान इस्लाम में जायज नहीं है इस बैत में या इस नदम में तीसरा गुनाह जो बयान किया गया सिक्सटी थ्री वो इस्तेहलाल बैद इस्तेहलाल खाने काबा है हरम के अंदर इलाहाद और बेदीनी फैलाने को का इरादा करना अल्लाह ताला ने तरम को बड़ी इज्जत वाला हरुमत वाला करार दिया है एक तो खान काबा है और खान काबा के चारों तरफ जो हदूद हरम कहा जाता है हरम और हदूद हरम के अंदर गुनाह और बुराई और मुहर्रमात का करना कत्ल खरीदी वना चोरी डकैती जो भी गुनाह इंसान का कुफर और शिरक और बिदाद जो भी करता है उसका गुनाह बहुत बढ़ा चढ़ा करके हो जाता है और यहां जो गुनाह का बयान क्या वो तो सिक्सटी थ्री हो जाइए कि इंसान गुनाह करने को अपना तरीका बना ले हरम की बेहरमत अल्लाह की भी नाफरमानी रसूल की भी नाफरमानी और अल्लाह ताला के घर और हुदूद हरम की तोहहीन हरम और हुदूद हरम की तोहिन

बुराई का हरामकारी का बेदीनी का शिरक और बिदात का इरादा करेगा अल्लाह अकबर यहीं से एक चीज कहा जाता है एक चीज बताई जाती है दुनिया में हर जगह इंसान गुनाह करता है तब गुनाह लिखा जाता है लेकिन हुदूद हरम के अंदर बुराई करने को हलाल समझ लेना और बेधड़क बिंदास सारी बुराइयां आप करने लगे, हरम की तोहिन करने लगे, अपने गुफ्तार से अपने किरदार से अपने चाचन और अपने हरकत से तो दुनिया में कहीं भी गुनाह करेंगे तो गुनाह करने के बाद गुनाह लिखा जाता है लेकिन अल्लाह ने फरमाया यहां हरम और हदूद हरम में अगर किसी ने बुराई का इरादा कर लिया तो उसके बाद इरादे पर भी अल्लाह उसको दर्दनाक सजा सर, देते अल्लाह पर नहीं करने के पहले इरादा भी कर लिया इसलिए बिन अब्बास ताला अनुमा। और बहुत सारे असलाफ कहते थे आदमी हजारों किलोमीटर दूर रह करके अपने घर में अपने शहर में मक्के रहदू धर्म से हजारों मील दूर पर रह करके अगर वहीं बैठे बैठे भी वहां बुराई का इरादा करता है बुराई सोचता है बुराई करने का कर्ज करता है घर से मत के तक ना पहुंचवाए लेकिन उसके दिल में बेहरमती हरम की आ गई और वहां गुनाह करने का शौक और दिल उसके उसका दिल चाहता है इसलिए अल्लाह वहीं बैठा रहता जब भी उसके नाम में आमाल में गुनाह लिख देते व मयूर दिफी है बे इलाहादिन बिदुलमिन नुदिक हो मिन अदाबिन अलीम अल्लाह ने फरमाया इस घर में इस हरम में जो बुराई का जुल्म जाति के इरादा करेगा तो हम उसको दर्दनाक अदाब का मदा चखाएंगे तो ये सिक्सटी नंबर का गुनाह दोस्तों ये भी नहायत खतरनाक है एक मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने शास्त्र अब गद्नास सलास, अब गदनासी सलास, तीन किस्म के आदमी हैं जिनसे अल्लाह बहुत नाराज होता है अल्लाह बहुत नापसंद करता है उनमें एक है फिल हरम हरम के अंदर इहाद फैलाने का इरादा रखने वाला मुलहदुल फिलहर इहाद कहते हैं दीन को छोड़ करके गलत रास्ते पर जाना इहाद फिर गया नेकी के बजाय बुराई करने लगा तोहहीद के बजाय शिरक सुन्नत के बजाय बिदात हलाल के बजाय हराम अब गजुलना से अल्लाह तला के नजदीक तीन आदमी बहुत बदतरीन है मुल फिलहर पहला इंसान जो हरम में इहादाद और बेदीनी की कोशिश करता है बुराइयां आम करता है बुराई फैलाने की कोशिश करता है इस्लामी माशरे को बर्बाद करना चाहता है ये पहला इंसान नंबर दो मुभ तक इनफिल इस्लाम सुन्नतल जाही लिया इस्लाम में जाहिलियत को दोबारा पसंद करने वाला यानी इस्लाम ने जिन चीजों को मिटाया इस्लाम से पहले जो चीजें दीन के नाम पर की जाती थी अखलाक की बुराइयां वो सारे मुनकरात और सारी गलत चीजें इस्लाम ने इसको मिटाया खत्म किया अब दोबारा उन जाहिलियत की चीजों को अच्छा समझने वाला अल्लाह अकबर जिस चीज को इस्लाम ने मिटाया इस्लाम से पहले जो बुराइयां हो रही थी इस्लाम ने मिटाया अब अगर दोबारा उन्हीं बुराइयों को इस्लामी माशरे में दुनिया में फिर लाने की कोशिश करना और लाना पसंद करना और उसको अच्छा समझना ऐसा बदतरीन जुर्म है कि ऐसे इंसान से अल्लाह ताला तेानतहा नफरत हैं। मुफ्त फिल इस्लाम सुन्नतल जाही इस्लाम में दोबारा चाहलीत की चीजों को लाने की फिक्र करना कोशिश करना पसंद करना घर से कामयाब हो या ना हो सिर्फ आपने की सोच बदल गई कि हां वो चीजें ज्यादा अच्छी हैं ये इस्लाम पुराना हो गया इनको खत्म करके वो चीजें आनी चाहिए अगर इस तरह से किसी ने सोचा या अपने दिल में इरादा रखा और कोशिश किया उसको अच्छा समझता है तो ये इंसान अल्लाह ताला को बे इंतहा नापसंद है उन्हें में सजरा देखें औरतों के साथ जाहलीत में पीछे रास्ते थे भी काम ख्वाहिश पूरी की जाती थी इस्लाम ने मिटाया आप अभी ने सुना कि इस्लाम से पहले लोग क्या क्या करते थे आजाद को बेचते थे बहुत सारी चीजें थी जिनको इस्लाम ने मिटाया और ये सारी चीजें आज लड़कों के साथ लड़, शादी करना लड़कों से ख्वाहिश पूरी करना लड़कियां लड़कियों के साथ अल्लाह कितना बुरा चीज बुरी चीज़ है वही चीजें जो जाहिर तो दोबारा उनको लाने के लिए कोशिश करना और राय देना मशवरा देना करना ये आजकल कर बेहतर है तो ये इंसान अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा मफूज दा है इससे अल्लाह ताला बहुत गदारना गा कहते हैं नंबर तीन वमो तलेबर बगैर हक़ ना हक किसी मुसलमान का कत्ल करना किसी भी कलमा गो का खून तीन गुनाहों के बना पर हलाल होता है बस नंबर एक किसी मुसलमान ने कजन किसी को कत्ल किया तो कातिल को कत्ल किया जाएगा नंबर दो शादी इंसान अगर जिना करे और गवाहों से साबित हो गया या उसने एतराफ कर लिया तो उसको रजम किया जाएगा नंबर तीन मुर्तद हो जाए तो उसकी गर्दन मारी जाएगी इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं जिससे किसी का खून हलाल हो अब अगर कोई इंसान किसी को कत्ल करता है तो यह भी बदतरीन चराब में से अकबर कबायर। तो दोस्तों ये तीन गुनाह नहायत खतरनाक थे जिनका तस्कर हमने किया और इसके बाद मुसनफ़ रहा कहते हैं दूसरा बैग वमिन एक रेबा व शहादत अलहुल व ने कुल तवा उदी इस ट्वेंटी एट नंबर की जो नदम है इसमें मुसनफ़ रहमुल्ल ने तीन गुनाहों का तस्करा किया सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स और सिक्सटी सेवन अब ये तीन जो गुना हैं सिक्सटी फाइव, सिक्सटी सेवन सिक्सटी सिक्स जो सूच से मतलब है इनमें इन इसकी तफसील हम अगली नशस्त में बयान करेंगे अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के मुनकराज से बचे बचाए गैरों को बचाने की तोफीक नशी फरमाए حق قبول کے الله تعالى التوفيق دي أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه